नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और हम बिहार की राजनीति में एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। एक बार फिर तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार पर आरएसएस के सामने आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया है। साथ ही राजद नेता ने बिहार के मुख्यमंत्री को नीति और सिद्धांत विहीन बताया है। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर राजद नेता ने लिखा है, नीतीश कुमार जी ने पूरी तरह से आरएसएस और भाजपा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने तब सीएए, एनपीआर और एनआरसी पर केंद्र को समर्थन देने के बावजूद बात भी नहीं की थी और अब आरक्षण नीति के खत्म करने का भी घातक रूप से चुप है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि वे एकमात्र ऐसे नेता है जिनके पास ना कोई नीति है, ना सिद्धांत है और ना विचारधारा है, लेकिन केवल एक ही उद्देश्य है, वो अब थक कर लक्ष्यहीन और अदूरदर्शी हो चुके हैं। 60% युवा आबादी वाले राज्य में विकास और नए विकसित बिहार का कोई लक्ष्य, सपना और रोडमैप नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता ने सवाल उठाते हुए लिखा है, आखिर कब तक हम पिछड़ा और गरीब राज्य रहेंगे? अब तो केंद्र और राज्य दोनों जगह ही एक गठबंधन की सरकारें हैं। 15 वर्ष शासन करने के बाद भी लोग क्यों नहीं बताते कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाएंगे? तेजस्वी प्रसाद यादव आजकल कुछ ज्यादा ही नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए हैं। आने वाले वक्त में चुनाव है और वो अपने सहयोगियों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि वो नीतीश कुमार के सामने वही फ्रंट फुट पर खेलेंगे। हालांकि पार्टी के अंदर और साथ ही साथ दूसरी पार्टियों में चल रहे बगावती तेवर अपना रहे नेताओं के बीच तेजस्वी यादव लगातार संभालने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश कुमार पर आरएसएस का के सामने सरेंडर करने का भी आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार को ये भी कह रहे हैं कि वो सीए के सामने भी चुप थे और सीए का समर्थन कर चुके हैं। नीतीश कुमार के पास ना तो सिद्धांत है, ना तो नीति है और सिर्फ सरकार बनाने का लक्ष्य रहा है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं और नीतीश कुमार फिलहाल तेजस्वी की इन बातों का क्या जवाब देते हैं वो तो देखने वाला बात होगा, लेकिन तेजस्वी मोर्चा संभाल चुके हैं अपनी पार्टी की तरफ से और विपक्ष की तरफ से। इससे पहले तेजस्वी के अलावा इनके भाई तेज प्रताप यादव भी नीतीश कुमार को लेकर के कुछ ज्यादा ही हमलावर हो गए हैं। तेज प्रताप यादव कई बार विवादित बयान भी दे चुके हैं नीतीश कुमार को लेकर के, वहीं तेजस्वी नपे तुले बयान दे करके वो नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश में है। आने वाले वक्त में देखते हैं कि नीतीश कुमार को कितना घेर पाते हैं तेजस्वी और चुनावी माहौल में वो इसका कितना फायदा उठा पाते हैं। लेकिन फिलहाल आप कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 भोजपुरिया, बने रहिए हमारे साथ। बिहार की राजनीति से हर पल पल की अपडेट्स के लिए हम आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पहला मैसेज मिल सके। देखते रहिए नेक्स्ट 9 भोजपुरिया। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।